हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप टीचिंग लाइन से हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे, तो ये फ़ोटो JBT HTET पास जो कैंडिडेट्स आमरण अनशन कर रहे हैं उनमें से एक साथी का है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि JBT HTET पास कैंडिडेट्स धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं पंचकुला के अंदर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था। तो इनमें से एक दो दिन हो चुके हैं और एक साथी पहले भी बीमार थे और अभी इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये टाइफाइड हो चुका था इनको और अभी ये इनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है और अभी इनकी हालत है जो नाजुक बनी हुई है। तो मेरी राजेश पाल जी से बात हुई थी तो वो अभी धरने को लीड कर रहे हैं, जो अनशन है उसे लीड कर रहे हैं। तो इनकी मांगे ये हैं कि हरियाणा के अंदर JBT की न्यू वैकेंसीज आनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मार्च को काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका एस्टेट इनवैलिड हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इनकी समस्या पर कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द ही वैकेंसीज निकल जाएंगी, लेकिन अभी आपको पता है कि बहुत टाइम हो चुका है और गवर्नमेंट अभी कोई वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। हालांकि खट्टर साहब ने और रामविलास जी ने भी आश्वासन दिया है, ऑफिसर्स ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी कोई विचार नहीं किया गया है, ना कोई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। तो साथियों, जैसा मैंने बताया था, गवर्नमेंट एस्टेट के नाम पर बहुत सारा पैसा ले रही है कैंडिडेट से, लेकिन उनकी समस्या पर विचार नहीं हो रहा है। तो राजेश पाल जी ने जो संदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें, क्योंकि संख्या बल के बलबूते पर हम कोई काम निकलवा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, इनका सहयोग करें, क्योंकि ये साथी अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप इनका सहयोग करें। हालांकि 50, 60, 100 तक संख्या इनकी होती है वहाँ पर, और अभी आप देख पा रहे होंगे जो ये कैंडिडेट्स हैं, और इनमें से एक बहुत बीमार हो चुका है और कई ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षक वर्ग के साथ इतना बुरा हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतना बुरा कर रही है तो ये बहुत गलत चीज़ है। गवर्नमेंट को अवश्य विचार करना चाहिए। अगर पद खाली नहीं है तो बात अलग है, पद खाली होने के बावजूद भी गवर्नमेंट विचार नहीं कर रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और राजेश पाल जैसे जो लोग हैं उनको हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए, जो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, और आपको जरूर उनका सहयोग करना चाहिए। तो साथियों, ये अपडेट थी, जरूर इस चीज़ को, इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग आगे आएं, और उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट जल्द ही इनकी समस्या पर विचार करेगी और ये मैसेज फैला दो बिल्कुल, जिससे गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँच पाए। नहीं तो ये साथी आपके हक के लिए अपनी जान की बाजी, अपनी जान खो सकता है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।